गाइस मैं हूं फ्रॉम नॉइजटेक और ये है फास्ट ट्रैक की नई नई स्मार्ट वॉच रिवोल्ट FS1 प्रो। इसको हम 3 से 4 दिन से यूज कर रहे हैं, एकदम प्रॉपरली टेस्ट कर लिया है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। गाइस ये वीडियो बनाने का हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, पर ये स्मार्ट वॉच की लास्ट 5-7 दिनों में बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस डाली है, तो हमने सोचा भाई क्या सही में ये वॉच उतनी अच्छी है, इसीलिए सोचा एक वीडियो तो बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए इसके ये डब्बे से। डब्बा देखोगे भाई एकदम टीन जैसा डब्बा है, जैसे आपको फास्ट ट्रैक की टाइटन की पहले वाली वॉचेस में मिलता था। ऊपर फास्ट ट्रैक का ब्रांडिंग है और कहीं पर भी डब्बे में वॉच का नाम नहीं लिखा है। ऐसे लग रहा है वो लोग एक ही डब्बा हर वॉच के लिए चलाते, इसलिए डब्बे के ऊपर वॉच का नाम नहीं दिया। जैसे ही डब्बा खोलोगे अंदर आपको स्पंज ही स्पंज मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें आपकी वॉच थी। उसी के बाद एक छोटी सी भाई यूजर मैनुअल है, एकदम पतली सी सुखड़ी सी छोटी सी यूजर मैनुअल, एकदम भाई जगह को बहुत ज्यादा बचाया गया यहाँ पे। उसी के साथ एक क्विक सेटअप कार्ड है, ऐप के बारे में सब कुछ दिया है इसके अंदर, एंड आपको फिर ये वारंटी कार्ड मिल जाते हैं। दो वारंटी कार्ड दिए हमको एक डब्बे के अंदर, एक ही वॉच ली थी भाई हमने तो, एंड बाकी फिर नीचे आपको ये पोको पिन का चार्जर मिल जाता है। फास्ट ट्रैक बोल रहा है यहाँ पे आपको एक आर्च्ड या आर्क्ड डिस्प्ले मिल रहा है। मैंने जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले देखा मैं कॉर्नर्स दिख रहा था, यार यहाँ पे इतने कर्व नहीं दिख रहे, ये लोग कर्व बोल रहे हैं। बाद में मैंने सही से देखा ऐसा वाला आर्क है, मतलब ये डिस्प्ले फ्लैट नहीं है, डिस्प्ले ऐसा कर्व होके आ रहा है। दिखने में भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है, आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट एक्चुअल में आपके पास जो बैठा होगा जिसकी नजर इस पर पड़ेगी उसको दिखेगा ये एकदम आर्च्ड डिस्प्ले, अच्छा खासा कर्व देखने मिलता है। हमने यहाँ पे ये टील वाला कलर लिया जिसमें आपको पूरी ब्रॉन्ज कलर की बॉडी मिल जाती है एंड स्ट्रैप मिल जाता है ये टील ब्लू कलर के, दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पूरा मेटालिक मिलता है आपको जो सही में एक अच्छा प्रीमियम फिनिश देता है इसको। एक सिंगल बटन दिया जो डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम कर लेता है। माइक एंड स्पीकर सेटअप्स दिए गए, साथ ही साथ ये स्ट्रैप्स है अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन स्ट्रैप्स दिए, एंड स्ट्रैप्स के ऊपर भी एक टेक्सचर दिया है, एंड साथ ही साथ फास्ट ट्रैक का ब्रांडिंग भी है इसके ऊपर। ये जो बकल है ये अच्छी बात है, ये मेटालिक दिया है, इसको प्लास्टिक नहीं दिया, नहीं तो कई बार इसके टूटने के चांसेस रहते हैं। नीचे जो सेंसर वाला एरिया है यहाँ कुछ भी मेटल नहीं यूज किया है, बाकी ऐसे बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली अच्छी है। IP68 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब आप इसको स्विमिंग लेके जा सकते हो, मेरे हिसाब से इतना इशू नहीं होगा। पर एक चीज याद रखना, कोई भी ब्रांड आपको वाटर क्लेम पे वारंटी नहीं देता है। अगर पानी से डैमेज हुई देन वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और ब्रांड नहीं देगा आपको कोई वारंटी। फास्ट ट्रैक का कहना है यहाँ पे आपको मिलेगा एक 1.96 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये एक अच्छा एमोलेड पैनल है, नो डाउट कलर्स काफी अच्छे हैं, नो डाउट डिस्प्ले अच्छा दिखकर आता है। इस वॉच का आप देख सकते हो आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटडोर में मे भी आपको कैमरा में थोड़ी सी कम दिख रही होगी, बट एक्चुअल में सामने से देखोगे वॉच अच्छी दिखती है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा हाई रेजोल्यूशन दिया, 410x502 पिक्सल, जो काफी हाई है इस डिस्प्ले के हिसाब से। फास्ट ट्रैक ने यहाँ पे सिमेट्री बनाए रखी है, ऊपर एंड नीचे की जो बेजल्स है वो काफी हद तक आपको सेम देखने मिलेगी, जो बहुत सी वॉचेस मिस कर जाती है, नीचे बड़े बड़े चिन्ह दे देते हैं। उसी के बाद एमोलेड डिस्प्ले दिया जिसके कारण यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के दो मोड मिल जाते हैं आपको, डिजिटल एनालॉग अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कलर दिखता है डिस्प्ले के ऊपर जो अच्छा दिखकर आता है। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्ट 2 एक भी दिया जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम कर लेता है। डिस्प्ले क्वालिटी से डेफिनेटली मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, काफी सही काम कर रहा है यहाँ पे, एंड आई कैन से ये डिस्प्ले अच्छा है। हार्ट रेट मिल जाता है, SpO2 मिल जाता है, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी मिलती है जो काफी सही काम करती है। टेबल पे कोई फेक रीडिंग्स नहीं मिलेगी, हवा में कोई फेक रीडिंग्स नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर ऑक्सीमीटर से कंपेयर करूं हार्ट रेट भी काफी अच्छा काम कर रहा है, SpO2 भी काफी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर ग्रीन लाइट प्रॉपर रेड लाइट सेंसर सारे दिए गए हैं। इस स्मार्ट वॉच की स्लीप ट्रैकिंग भी काफी एक्यूरेट है, ये मैंने काफी कम टाइम सोया था 3.5 घंटे के आसपास, बट इसने ये सही लिया है। 10-15 मिनट का आपको ऊपर फर्क दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग ब्रीथ ट्रेनिंग ये सारी चीजें भी मिल जाती है। एक छोटी सी चीज जो आपको बिल्कुल पता रहनी चाहिए, ब्रांड यहाँ पे बोलता है आपको मिल जा रहे 110+ स्पोर्ट्स मोड। वॉच के ऊपर जाकर देखोगे तो आपको 10-15 के ऊपर नहीं दिखेंगे। आप अगर इसका ऐप यूज करते हो जो फायरबोल्ट का रिफ्लेक्स वर्ल्ड ऐप है, वहां से आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड ऐड कर सकते हो, पर सिर्फ एक कर सकते हो, सिर्फ एक। काफी सारे स्पोर्ट्स मोड्स दिखते हैं पर यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे एक और ऐड कर लिया जाए, जब दूसरा ऐड करोगे तो जो पहला आपने लगाया था वो हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा वाला आएगा। मतलब यहाँ पे आपको लिमिटेड स्पोर्ट्स मोड्स 15 एक बार में मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से कम नहीं है, पर जिस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है उस तरीके से आपको नहीं मिलता है। उसी बात अगर मैं UI की बात करूं तो UI डिसेंट है, काफी स्मूथ है यहाँ पे, पर एकदम 60 हर्ट्ज वाला UI नहीं है, अच्छा काम कर लेता है। ऊपर से नीचे अगर जाओगे तो छोटा कंट्रोल पैनल खुलेगा जहाँ काफी सारी सेटिंग है, ब्राइटनेस को, रेस टू एक को ऑन ऑफ, ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ, DND को ऑन ऑफ, ये सारी चीजें हो जाती है। इसके बाद सेटिंग के अंदर जाओगे तो काफी सारी चीजें, वॉच फेसेस, इस वॉच के ऊपर 4 वॉच फेस मिल जाते हैं, बाकी फास्ट ट्रैक के रिफ्लेक्स वर्ल्ड ऐप से मिल जाएंगे, हम आगे बात करेंगे। स्क्रीन टाइम, मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मेन्यू के 2 स्टाइल्स मिल जाते हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, AOD क्लॉक के जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया। उसके बाद साउंड
सेटिंग, फोन सेटिंग, क्यूआर कोड, ऐसी चीजें मिल जाती है। फिर मेन स्क्रीन से अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे। राइट की तरफ जाओगे तो सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। SPO2 का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं देखने मिलता है। लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपका मेन्यू आ जाएगा। फिटनेस के अंदर आपको पूरे दिन का आपका एक्टिविटी मिल जाएगा, मल्टी स्पोर्ट में स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, स्लीप, हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस, ये सारी चीजें। फोन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स इस वॉच के ऊपर ऐड कर सकते हो एंड देन उनको कॉल लगा सकते हो। उसी बाद यहाँ पे डायल पैड भी मिल जाता है डायरेक्टली कॉल लगाने, एंड आपके रिसेंट कॉल आपको यहाँ पे सारे देखने मिल जाएंगे। तो गाइस ये जो आप अभी माइक क्वालिटी सुन रहे हो, ये है माइक क्वालिटी फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1 प्रो की। मेरी वॉच मेरे फेस से ज्यादा दूर भी नहीं है, रूम में काफी शांति है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसी माइक क्वालिटी आपको मिलती है। ठीक है, साथ यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे अलग कंट्रोल है, म्यूट करने का ऑप्शन आपको यही पे मिल जाएगा, फोन के ऊपर कॉल ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी मिलेगा, एंड देन ये एक ऑप्शन है जो आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। मेरी आवाज बराबर आ रही थी, देखो तेरी भी आवाज क्लियर है, ठीक है। इस वॉच में ये काफी सही फीचर मिलता है, वो है क्विक रिप्लाई। यहाँ पे बस ये मैसेज के ऊपर क्लिक करो एंड जो भी आपको रिप्लाई देना है, आप अभी फोन नहीं उठा सकते, बस ऐसे क्लिक करके रिप्लाई दे दो एंड कॉल भी एंड हो जाएगा, सामने वाले को मैसेज भी चला जाएगा। उसी बाद यहाँ पे आपको AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है, गूगल असिस्टेंट एंड सीरी के लिए। चार गेम्स आपको इस वॉच के ऊपर मिलते हैं, आप खेल सकते हो। उसके बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ब्रीद मोड, वेदर है, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माय फोन, फ्लैश लाइट, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें मिल जाती है। ये वॉच कनेक्ट होती है फास्ट ट्रैक की रिफ्लेक्स वर्ल्ड ऐप से, सारा डेटा सिंको के सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे टास्क मिल जाएंगे, देन सामने आपको बाकी सारी चीजें, आपके दिन का हार्ट रेट, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें मिल जाती है। स्लीप ट्रैकिंग, वर्कआउट, SPO2 सब कुछ सामने मिल जाता है। उसी के साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको और काफी जैसे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। देन यहाँ पे आपको काफी सारे वॉच फेसेस के लिए पूरा अलग सेक्शन दिया। यहाँ पे नेचर में 22 है, प्रोग्रेशन में 22 है, वाइज में 37 है, स्पोर्टी है। यहाँ पे आप कस्टम डायल भी बना सकते हो, अपनी कोई भी फोटो लगा सकते हो एंड फेवरेट वाले वॉच फेसेस यहाँ सेव कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग में जाओगे तो वॉच की कई सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे गोल है, हेल्थ है। हेल्थ के अंदर आप जैसे जाते हो तो ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग, इसको कभी भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एडिट स्पोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो अपनी वॉच के ऊपर स्पोर्ट मोड ऐड कर सकते हो। तो ये वॉच 2 से 3 दिन तो बहुत इजीली चल जाएगी। तो अगर मेरे सारे फीचर्स ऑन भी रहते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, रेस 2x, साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फुल ब्राइटनेस एंड कॉल मैसेज, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, सब कुछ ऑन, तो भी यहाँ मेरा दिन का लॉस 25-30% हो रहा है। मतलब 3 दिन की इजी बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो भाई प्राइस के हिसाब से अगर बात करूं तो यस, ये वॉच 300-400-500 रुपए तो महंगी है ही, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। बट कंपनी जैसे फास्ट ट्रैक, टाइटन, इनका ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। साथ ही साथ ये जो कर्व्ड आर्क वाला डिस्प्ले है, इसके कारण थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे थोड़ा सा कर्व डिजाइन है जो इस वॉच को एक अच्छा फील देता है। ब्रांड ने कुछ नया करने की कोशिश की है जो फिलहाल आपको इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलता है। इस फीचर्स वाली वॉच आपको जनरली 2800-3000 में भी देखने मिल जाती है। मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छी ब्रांड वैल्यू वाली वॉच चाहिए, आप 3800 में इसको देख सकते हो। अगर आपका उतना बजट नहीं है, 3000 के आसपास भी आपको ब्लूटूथ एमुलेट कॉलिंग वॉचेस मिल जाएगी, एंड इसको बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।